ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है शो दैट नाइन टू दी पावर एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाई सिक्सटी फोर नाइन टू दावर एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इज डिविजिबल बाई सिक्सटी फोर ये आपके पास क्वेश्चन है कि कंप्लीटली डिविजिबल है ठीक है हमें यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा कि लिविंग रिमाइंडर समथिंग एंड ऑल तो टोटल हमसे कह रहा है कि रिमेनिंग डिविजिबल है या नहीं तो आपको क्या करना है आपको अगेन मैंने आपसे कहा जहाँ पावर है वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए तो मेरे पास पावर है नाइन पे नाइन टू पावर एन प्लस वन अब मुझे ये बताइए मुझे डिवाइड करना है सिक्सटी फोर से तो क्या मैं नाइन को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करूँ जिससे कि डिवाइजर या मल्टीपल आ जाए तो सर एट आ सकता है और जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर एक टर्म वन ले लें और दूसरा फिर जो भी रिमेनिंग है तो वन प्लस एट टू दी पावर एन प्लस वन अब अगर हम इसका एक्सपेंशन लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा तो बस मेन काम यही है कि आप शुरू में सोच पा रहे हो कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है अगर आपने ये ले लिया कि स्टार्ट कहाँ से करना है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा चलिए सर फर्स्ट टर्म वन है हमारी पावर एन प्लस वन है तो हम एन प्लस वन सी जीरो से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टर्म वन है तो वन की पावर कोई इम्पैक्ट डालेगी नहीं तो आप क्या कर सकते हैं एन प्लस वन सी वन एट टू पावर वन अब एट की पावर इंक्रीज होते जाएंगे आपको अगर समझ में आ रहा हो एन प्लस वन सी टू एट स्क्वेर एन प्लस वन सी थ्री एट क्यूब एंड सो आपको चाहिए 64, 64 स्टार्ट होता है 8 स्क्वायर ऑनवर्ड इन सारे टर्म से 8 स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं और इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं एन सी ज़ीरो बेटे हमेशा वन होगा चाहे एन या कुछ भी हो फिर आपके पास एन सी वन एन होता है तो यहाँ एन एन प्लस वन है इन टू एट यहाँ से एट स्क्वायर कॉमन ले लीजिए रिमेनिंग आपके पास आएगा एन प्लस वन सी टू एन प्लस वन सी थ्री एंड सो वन अब जरा आप चेक कर लीजिए ये हो जाएगा एट एन और एट एट प्लस वन नाइन तो हमारे पास क्या आ रहा है सर हमारे पास आ रहा है नाइन प्लस एट एन प्लस फोर एंड आप इस एक्सप्रेशन को कुछ भी लिख सकते हैं लेफ्ट साइड क्या है नाइन टू द पावर एन प्लस वन अब इसको सबको इधर ले आइए तो आपके पास क्या रह जाएगा नाइन टू दावर एन प्लस वन माइनस एट एन माइनस नाइन इज इक्वल टू सिक्सटी फोर एक्स इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय सिक्सटी फोर तो यहाँ मेंशन कर देते हैं कि हमने एक्स को क्या लिया था हमने एक्स को लिया था एन प्लस वन सी टू एन प्लस वन सी थ्री एंड सो वन ये हमारे पास तो अब हम कह सकते हैं सो so 9 to the power n plus 1 minus 8 n minus 9 is completely divisible by 64. That is it.